गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास 8। आज हम क्लास सब्जेक्ट पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। ग्रामर में क्लास आपका चैप्टर स्टार्ट होगा 15 एंड चैप्टर नेम है संधि। ठीक है, संधि का अर्थ है मेल। दो वर्णों के मिलने से उनमें परिवर्तन हो जाता है। दो वर्णों के मिलने से, जब दो वर्ण मिलते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उस विकार सहित मेल को, जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार सहित मेल को संधि कहते हैं। संधि योजना में पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का आदि वर्ण ग्रहण किया जाता है। जैसे ही माल्य, तो हिम प्लस आल्य। ठीक है, ये जो आ है ये जब इसको हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम प्लस आल्य। में ए और बड़ा आ मिलकर आ हो गए। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस अध्याय में हम स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। किनसे, जो दो स्वरों के मेल से, ठीक है, होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर दोनों स्वर होते हैं और उन्हें मिलाया जाता है। जैसे ये नर प्लस ईस, तो इसमें क्या लगा है, रामे आ है ना, प्लस ई, तो दोनों को प्लस करके क्या बन गया, ए, नरेश। ठीक है, राम उपदेश, तो आ प्लस ऊ, ओ हो गया रामो उपदेश। स्वर संधि के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाति संधि। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में का क्या मिलेंगे, जिसमें आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ऊ से बने शब्द हों, उसे क्या कहा जाता है, दीर्घ संधि। ठीक है, जैसे इसमें क्या आ रहा है, आ, बड़ा आ रहा है ना, देवाशुर, देव, आलय, विद्यार्थी, विद्यालय, इसमें बड़ी ई आ रही है, कपींद्र, कपीस, रजनीश, और इसमें बड़ा ऊ, भानुदय, वदुत्सव, सिंधु धर्म। गुण संधि, गुण संधि में क्या है, ये ए आऊ आए, जिसमें एक मात्रा हो, बीच वाले अक्षर पर एक मात्रा हो, जैसे देवेंद्र, रमेश, महेंद्र, चंद्रोदय, महोत्सव, गंगो, मृमी, देवऋषि, महारिषि। ठीक है, देव प्लस इंद्र, तो पहले इसका ए और ई, क्या बन गया, देवेंद्र। वृद्धि संधि, इसमें इसमें छोटी ए टी थी तो इसमें बड़ी, जैसे एक एक, मत एक लिखा ना, जैसे यदि ए या आ के बाद ए या आए आए तो दोनों के स्थान पर ये यूज होंगे। ठीक है, दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। यण संधि, यदि इसमें छोटी, बड़ी, ऊ, आओ, ऋषि के बाद कोई विभिन्न स्वर आए तो ई का य, ऊ का व और र का र हो जाता है। जैसे देखा, आप देखा ई प्लस ए का क्या बन गया, य। ठीक है, और ए का भी य, री प्लस आ का र। ठीक है, आयादि संधि, यदि आयादि संधि में कोई के बाद इन इसे या इसे नको से उगली उस सूरत के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रम से अय, आय, अव, आव हो जाता है। इसलिए ग, यक, ना, यक, सयन, चयन है ना, इन सब के पीछे इक, अन, अक लग के इन्होंने क्या कर दिया, नो प्लस इक, क्या हो गया, ओ, ओ प्लस इक, आविक, ना,
विक। ठीक है, संधि शब्द का अर्थ है मेल। व्याकरण में यह दो मेल दो वर्णों के निकट आ जाने से होता है। संधि नियमों से मिले वर्णों को फिर से अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के प्रमुख तीन भेद माने जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच प्रकार माने जाते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाति संधि। क्योंकि जैसे आपने निम्नलिखित शब्दों में संधि की थी, ना विक। ठीक है, संधि शब्द का अर्थ है मेल। व्याकरण में यह दो मेल दो वर्णों के निकट आ जाने से होता है। संधि नियमों से मिले वर्णों को फिर से अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के प्रमुख तीन भेद माने जाते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के पांच प्रकार माने जाते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयाति संधि। क्योंकि जैसे आपने निम्नलिखित शब्दों में संधि की थी, सुर प्लस ईस तो क्या बनेगा, सुरेश। सचिव प्लस आल्य तो क्या बन गया, सचिव वाल्य। ये आपको करने हैं क्लास, बुक में ही फिल करने हैं। ठीक है, निम्नलिखित उदाहरणों में से जो उदाहरण दीर्घ संधि का नहीं है उस पर रोंग करना है। तो दीर्घ मैंने बताया था ना, बड़ी आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, तो इनमें इसमें भी आ की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की है, इसमें आ की है, इसमें भी आ की है, इसमें नहीं है, तो ये गलत है।